लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हे भगवान, मेरी किट्टी अभी तक नहीं आई। हे प्रभु, जल्दी भेजो उसे, कहीं उसका इंतजार करते करते मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। एक्सक्यूज मी, आई एम ऑल्सो कमिंग। सुनिए, ओपन। नाइस वेदर। हम भी तो पड़े हैं राहों में डैडी। अबे और डैडी के बच्चे, अगर किट्टी को मालूम हो गया कि तू मेरी औलाद है तो चिड़िया फुर से उड़ जाएगी। जाल में फंस गए क्या? तो निकालो एक दस का पत्ता। किस खुशी में? आज ताजी ताजी राम और शाम लगी है। तो मैं क्या करूं? लो, आपने तो कहा था विचार रखना तो धार्मिक, और डैडी एक टिकट में दो दो भगवान, एक राम और दूसरे मुरली वाले श्याम। ओ, उसका टिकट तो टूरिंग टॉकीज में आठ आने के अंदर मिलता है। डैडी, आप बाप हो या सूदखोर पहलवान, आप ऐसे नहीं मानेंगे। मैं होने वाली मम्मी से मांगता हूँ, मान ले। मेरे बेटे, आराम से आराम से। ये ले पत्ता, जाके सिनेमा में खेलना। डैडी, ये तो क्लब में चलने वाला है, थिएटर में नहीं। चलता है तो चला, नहीं तो चलता है फिरता नजरा। जाओ बेटे, क्यों अपने बाप के कुंडा कर रहा है? मरता क्या ना करता डैडी, कान खोल के सुन लो। अगर आपने मुझे 10 रुपए नहीं दिए तो मैं किट्टी मेम साहब से कह दूंगा कि आप कोई खानदानी कुंवारे नहीं बल्कि विधवा हो। विधवा? अबे ओ, मैं तो रंडवा हूँ, रंडवा। एक ही बात है। क्यों अपने छोटे बाप को ब्लैकमेल कर रहा है? ब्लैकमेल? तेरी फ्रंटियर मेल, पंजाब मेल, कलकत्ता मेल, ये सब मेले सुनी थी, ये किस गाड़ी का नाम है? ये उल्लू के पट्टे का नाम है जिसने ऐसी औलाद पैदा की है। ये ले 10 रुपए का नोट और यहाँ से चलता फिरता नजर आ। जा बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब जा लोकल ट्रेन से कल्याण, जा जा। आई एम सॉरी मिस किटी, मे आई कम इन? देखते भी नहीं, जरा देख के तो चलिए। शायद मेरी गलती थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, माताओं और पिताओं, भाइयों और बहनों, अच्छी पियो खराब पियो, जब भी पियो शराब पियो, लेकिन मजबूरी है कि हमारी गवर्नमेंट ने प्रोहिबिशन यानी दारूबंदी लगा रखी। आई एम सॉरी, लेकिन फिर भी मैं आज आप सब लोगों को पिलाऊंगा और खूब पिलाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों को ऐसी शराब पिलाऊंगा जिसका नशा जिंदगी भर नहीं उतरेगा। शराब का नाम है शबाब और बोतल का नाम है मिस किटी। जस्ट अ मोमेंट मिस्टर मिस्टर रामचंद्र गोंसावली। रामचंद्र? पीपल कॉल मी राम। व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? मैंने आपके मालिक का नाम सुना है, फिलहाल उन्हें कुछ बेचना चाहता हूँ। ऑलराइट ऑलराइट। हेलो 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 बॉस, आपसे कोई मिलने आए हैं और कुछ बेचना चाहते हैं। आपने किससे बात की? ये ओ माइक्रोफोन, ये हर जगह फिट है। लीजिए, आपकी रिक्वेस्ट कबूल होगी। यानी प्लीज फॉलो मी, आई आई कम दिस। आइए अंदर जाइए और महागुरु के दर्शन करके मोक्ष प्राप्त कीजिए।
नाम? जगदीश प्रसाद, लोग मुझे जग्गू कहते हैं। पेशा? समझ लीजिए चोरी। लेकिन आप मुझ पर क्यों बैठे हैं? शर्मा थी क्या? शर्म तुमसे नहीं, पुलिस से जरूर आती है। ये आपने कैसे समझ लिया कि मैं पुलिस का आदमी नहीं हूं? जिस तरह एक शरीफ आदमी दूसरे शरीफ आदमी को फौरन पहचान जाता है, इसी तरह एक बदमाश भी दूसरे बदमाश को पहचान लेता है। Am I right? Right. Please sit down. Thank you. तो आप चोर हैं? ये लफ्ज सुनने में कुछ घटिया सा मालूम होता, आप मुझे अंतरराष्ट्रीय आभूषण चोर कह सकते हैं। ये तो ऐसे लगता है कि जैसे सरकार ने आपको कोई इनाम दिया हो। कि सरकार ने इनाम तो नहीं दिया, लेकिन सरकार इनाम मुझ पर जरूर रख सकती है क्योंकि मैं इंटरनेशनल ज्वेल थी। ओ, फिर तो आप बहुत कीमती आदमी मालूम होते हैं। जी हाँ, क्योंकि मेरे पास चीजें भी बहुत कीमती हैं। ये देखिए, ये मैं बेरूट से लाया हूं। डायमंड तो अच्छे हैं। और ये देखिए, नगीने भी अच्छे हैं, लेकिन मैं चोरी का माल नहीं खरीदता। हाँ, अगर आप चाहें तो इन्हें यहां छोड़ जाइए, मैं इन्हें बिकवा दूंगा। हम चोरों में ईमान जरूर है, लेकिन इतनी जल्दी आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता मिस्टर सोहन। ओ, तो आप मेरा नाम भी जानते हैं? शहर का हर बदनाम आदमी आपका नाम जानता है। बाय बाय। रामू, ये जो आदमी बाहर गया है इसका पीछा करो और मालूम करो कि ये क्या चीज है, समझे? ओके बॉस। तुम भी पागल हो, चोर तो खुद चोरी कर सकता है, चोरी का माल क्या खरीदेगा? ये काम तो कोई साहूकार ही कर सकता है। कोई खरीदार? हाँ है तो, लेकिन यहाँ नहीं। आओ मेरे साथ। बैठिए। प्लीज मीट माय फ्रेंड्स मिस्टर पिंटो, मिस्टर रंजीत एंड मिस्टर सुल्तान। मुझे शंकर कहते हैं। मेरा नाम है जगदीश, मुझे आप जग्गू कहिए। नाइस मीटिंग यू। सीरियल बेचेंगे? खरीदेंगे आप? दिखाओ। देखो, हाँ नाइस पीस। और ये देखो, क्या हुआ? आप लोग चौंक पड़े, ऐसा हार कभी देखा नहीं। नहीं नहीं, लेकिन ये हार तुमने चुराया कहां से? और ये मैंने बेरूट से स्मगल किया था। ये नहीं, ये तुमने कहां से चुराया? ये याद नहीं। क्यों? याद करने की कोशिश करो, कहां से चुराया? तुम लोग तो पुलिस की तरह जिरा कर रहे हो, क्या बात है भाई? नहीं नहीं, दरअसल बात यह है, खैर ये बात छोड़ो, देखने में तो ये हाथ बहुत कीमती मालूम होते, लेकिन असली है। मैं समझ गया, मैं समझ गया। अगर हम सबका ईमान तो एक ही है, इसे रख लो टेस्ट करवा लेना। जग्गू फरेब और झूठ का धंधा नहीं करता। और फिर मेरा 1 करोड़ का माल भी जहाज से आ रहा है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मुझे यहाँ के हालात मालूम नहीं, मैं परदेशी हूँ ना। लेकिन भैया हम लोग तो स्वदेशी हैं। सुनो सुनो, अगर तुम हमारे पार्टनर बन जाओ, हम तुम्हारा काम यूं कर सकते हैं। श्योर? यस पार्टनर। यस यस। फिर तुम्हारा हमारा ईमान तो एक ही है ना। राइट बॉस। वो आदमी तो बिल्कुल हॉक के निकला, हाथों हाथ भी किया। बाहर निकलते ही शंकर उसके साथियों ने से गले लगा लिया। मुझे तो कुछ दाल निकाले लगता है। मेरा ख्याल है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। इडियट, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा असली मकसद तो माल से है। गेट आउट। हेलो जग्गू। हेलो हेलो हेलो, तुम्हारा चौथा पार्टनर कहाँ है? वो पिंटो,
वो गोदाम में इंतजार कर रहा है तुम्हारे माल पहुंचने का। अरे वाह क्या तैयारियां हैं, माल मिलने से पहले बट। मगर हजूर वो जहाज कहाँ है? जहाज इधर जाए कहीं धुंधला इसलिए शायद दिखाई नहीं दे रहा है। एक काम करो ऊपर चले जाओ शायद वहां से दिख जाए। चलो चलो भाई। यहाँ तो कुछ भी नहीं। हाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। चगू यहाँ से कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है भाई तुम लोग नीचे उतर आओ, मोटर बोट से चलते हैं। आओ चल। अच्छा अच्छा ठीक है जल्दी कर। तुम जरा धीरे उतरना भाई ना जल पड़ोगे। खबरदार शंकर तुम्हारे बारे में सब रिपोर्ट मिल चुकी हैं। चुपचाप से पुलिस स्टेशन चलो चलो। शंकर तुम लोग भाग जाओ मैं तो संभालता हूँ। आई एम वेरी सॉरी, आपको कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? जी नहीं कोई खास चोट नहीं लगी। आप प्लीज मेरे साथ चलिए। वैसे तो ठीक हूँ। चलिए ना बैठिए। थैंक यू थैंक यू। कहीं फंसा ना दे। देखिए गलती मेरी थी मगर मेरी रिपोर्ट मत कीजिएगा। रिपोर्ट? जी हाँ। मालूम होता आपने गाड़ी नई नई ठीक की है। जी हाँ। फिर आपने आगे पीछे हेल क्यों नहीं लगाया? जी वो मैं लगाना भूल गई। आपका नाम? सुमन। उम्र? 18 साल। आपका नाम? मिस्टर सोहनलाल। मुझे इंस्पेक्टर ब्रिजमोहन कहते हैं, आप सिर्फ मोहन कह सकती हैं। आप कहाँ जा रही हैं? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? देखिए मेरा इलाज तो घर पे भी हो सकता है। तो फिर ठीक है घर पे चलिए मगर प्लीज मेरी रिपोर्ट मत कीजिएगा। अब तो शायद मेरी रिपोर्ट हो जाए। आइए। बहुत ही शानदार है आपका घर, बहुत ही आलिशान। आप यहाँ बैठिए मैं आपका जख्म ठीक करती हूँ। अब यह जख्म क्या ठीक होगा? क्यों नहीं होगा, मैं अभी इसकी ड्रेसिंग कर देती हूँ। सुनिए जब यह जख्म ठीक हो जाएगा तो ड्रेसिंग उतारनी पड़ेगी ना? हाँ ड्रेसिंग उतारनी पड़ेगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ। नुकसान की परवाह मत कीजिए, हर नुकसान में कुछ न कुछ फायदा तो हो ही जाता है। आज क्या फायदा हुआ? आपसे मुलाकात हुई, ये क्या कम फायदा है? आप भी यूं ही शर्मिंदा कर रहे हैं। लीजिए ये सब तो ठीक हो गया, मैं आपके लिए दूध लाती हूँ। सुनिए दूध की क्या जरूरत है, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। ये आप समझते हैं, मुझे तो नहीं लगता। क्या मतलब? मतलब ये आप यहाँ आराम से बैठिए। आपका हुक्म सराखों पे। आपकी तारीफ? ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ। मुझे सोहनलाल कहते हैं। ओ यानी सुमन जी के डैडी। मैं इंस्पेक्टर ब्रिजमोहन हूँ। आप इंस्पेक्टर ब्रिजमोहन हैं? जी हाँ। कौन से पुलिस स्टेशन में पोस्टेड हैं आप? जी जी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में? जी। लेकिन वहां तो इंस्पेक्टर कुलकर्णी थे, उनकी बदली हो गई क्या? जी जी हाँ। ऑफिसर अच्छा था जी। खैर ये बताइए कि आप अपना इलाका छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? जी वो दिल्ली से बड़ा सीबीआई का अफसर आया है, उन्हीं के साथ ड्यूटी कर रहा था। और मेरी गाड़ी से टकराने की वजह से इनकी ड्यूटी अधूरी रह गई। जी डैडी वो मेरी गलती थी। जी ये लीजिए। जी हाँ तो क्या कह रहे थे आप, सीबीआई का ऑफिसर आपके साथ था? जी हाँ वो मुझे ढूंढ ही रहे होंगे। लेकिन आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप भी पुलिस से कुछ ताल्लुक रखते हैं। ताल्लुक तो नहीं लेकिन वास्ता तो पड़ता ही रहता है।
हमारी लाइनें ऐसी है कि हमें शहर के हर पुलिस वाले और हर बदमाश को जानना जरूरी है। जाने? यानी कि मैं होटल का मालिक हूँ, क्लैरा होटल। अरे इंस्पेक्टर तुम यहाँ? अरे वाह, एक्सीडेंट के बाद तुम खासे नजर आते हो, हाथ में दूध का गिलास। जी मैं तो बिल्कुल ठीक है, इन्होंने ड्रेसिंग कर दी थी। मैं तो आपसे ही मिलने आ रहा था। अरे मैं भी तो तुम्हें को ढूंढ रहा था। आप इनसे मिलिए, मिस्टर सोनलाल, क्लैरा होटल के मालिक। तो आप ही हैं सीबीआई के ऑफिसर? ये आपसे किसने कहा कि मैं सीबीआई का ऑफिसर हूँ? जो मैंने कहा था कि दिल्ली से सीबीआई के बड़े अफसर। अफसोस की बात है, देखो इंस्पेक्टर, कभी किसी से न कहो कि मैं। ओके बाद। प्लीज टू मीट यू। सो एम आई। फिर मुलाकात होगी कहीं ना कहीं। जो दूध खत्म करो, चलो। खत्म कर चुका हूँ सर। बाय बाय। गुड बाय। गुड बाय। सुमन, आइंदा इनसे कभी न मिलना। मगर क्यों डैडी, वो तो पुलिस वाले हैं। इसीलिए हमें उनसे दूर रहना चाहिए। आपकी ये नकली वर्दी ने तो फंसा ही दिया। मुझे भी डर था कि तुम फंस न जाओ, लेकिन हुआ क्या? अच्छा हुआ कि मैं गलत घर में पहुंच गया। कहीं असली पुलिस वाले के घर पहुंचता तो सीधा अंदर हो जाता। खैर गलत घर तो नहीं, तुम सही घर ही पहुंचे थे। कैसे? याद है मैंने तुमसे कहा था कि उन चार बदमाशों से मैं सोहन के अड्डे पर ही मिला था। मुझे तो शक है कहीं सोहन ही उनका लीडर हो सकता है, लेकिन इसका पता कैसे लगा सकते हैं? इसकी भी तरकीब मैंने सोच रखी है। क्या तरकीब? पहले तुम ये बताओ कि जिस लड़की से अभी अभी तुम्हारी मुलाकात हुई थी वो तुम्हें पसंद है या नहीं? आपको पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन मेरी उम्र हो चुकी है। तुम बताओ तुम्हें पसंद है या नहीं? ठीक है। और ये भी बताओ कि तुमने कभी प्यार व्यार किया या कर रहे हो? कभी सोचा ही नहीं। सोचने की क्या बात है, तुमने हिंदी फिल्म नहीं देखी? देखी है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहता हूँ कि तुमने ये तो देखा होगा कि हीरो और हीरोइन किस तरह प्यार करते हैं। हीरोइन भाग रही है, हीरो पीछे पीछे जा रहा है, एक दरख्त के पीछे हीरो ने हीरोइन को पकड़ लिया और दोनों मिलकर गाना गाते हैं, प्यार हो जाता। ये तो सीधा फिल्मी फॉर्मूला लगता है। सीधा फिल्मी फॉर्मूला, यही फॉर्मूला तुम सोहन की लड़की पर लगा दो। यानी कि वो और मैं, उससे क्या होगा कि सोहन कौन है ये पता लग जाएगा। ठीक है? क्या आप ऐसे तमाशे देखती रहेंगी तो हालत ही बिगड़ जाएगी। पर आप यहाँ कैसे आ गए? घर पहुँचा तो मालूम हुआ कि आप यहाँ आंखें सेक रही हैं। मैं स्विमिंग क्लब की मेंबर हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ इस क्लब का मेंबर बन जाऊँ। क्यों? पहले दिन तमाशा देख के आदत बिगड़ने लगी? मेरी आदत छोड़िए, अपनी सुनाइए। आप जो ये दिलचस्पी ले रही हैं, आपने कभी प्यार किया है? मैं देख रही हूँ, सोचा नहीं। सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर आप हिंदुस्तानी पिक्चरें नहीं देखती? हिंदुस्तानी पिक्चरें, उसमें क्या होता है? बहुत सीधा सा फॉर्मूला है। सीधा सा? हाँ, लड़की आगे भागती है, लड़का उसके पीछे भागता है, फिर किसी दरख्त के पीछे लड़का लड़की को पकड़ लेता है, फिर दोनों गाना गाते हैं, फिर प्यार हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको किसने बताया? मेरे गुरुजी ने। बहुत पहुंचे हुए आदमी है। कौन है वो? दादा मुनि। उन्होंने प्यार की इतनी तपस्या की है कि वो ऋषि मुनि बन गए। आप उन्हें किसी दिन यहाँ ले आइए, सारी तपस्या भूल जाएंगे। यहाँ ना उनको गाना गाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही भागने दौड़ने की। तो यहाँ पानी में आग लग जाती है। पूछती कैसे है? पानी में। एक बात कहूँ? कहिए। आप बहुत खूबसूरत। यहाँ पहुंचकर सबका यही हाल होता है। देखिए ना, हर तरफ जन्नत के नजारे। दूसरों की जन्नत को छोड़िए, मेरी जन्नत तो आप ही हैं। आप ज्यादा पास में बताइए, मुंह चल जाएगा। चलने दीजिए। फिर सांस तेज चलने लगेगी। चलने दीजिए। फिर पेशियां दौड़ने लगेंगी। दौड़ने दीजिए। आग लग जाएगी। बुझा लूंगा। कैसे? ऐसे।